आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई से हुई तीन सबसे बड़ी गलतियां जिसका खामियाजा भुगत रही सीएसके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन दोस्तों इस वीडियो पर मात्र 300 लाइक का टारगेट है जिसे पूरा कर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के 15वें सीजन में वो हुआ जो चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आईपीएल 2022 के 6 मुकाबलों में से 5 मुकाबले गवा दिए। आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सीएसके को इतनी बुरी तरह से हार सामना करना पड़ा हो। आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने कई पुराने खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया, क्या इसी वजह से तो सीएसके की इतनी बुरी हालत नहीं है? तो दोस्तों आइए इस खबर को जानते हैं, सीएसके ने कहां क्या गलती की थी। दोस्तों सीएसके ने ऑक्शन से पहले किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करने की सबसे बड़ी गलती की थी, वो है फॉफ डुप्लेसिस। ये खिलाड़ी पिछले कई सीजनों तक सीएसके की ताकत रहा था। मौजूदा सीजन में फॉफ आरसीसीबी की कप्तानी कर रहे हैं। उनकी कप्तानी में ये टीम कमाल का प्रदर्शन भी कर रही है। फॉफ डुप्लेसिस धोनी के बाद सीएसके के भी कप्तान बन सकते थे, लेकिन ऑक्शन में सीएसके ने इस दिग्गज खिलाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। नंबर 2, जेस हेजलवुड। ऑक्शन में सीएसके की दूसरी सबसे बड़ी गलती हेजलवुड थे। हेजलवुड को ना खरीद कर की थी। हेजलवुड मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। खासकर आरसीबी में शामिल होने के बाद से इस खिलाड़ी ने टीम की दशा ही बदल दी है। आरसीबी को हमेशा से उनके जैसे एक अच्छे तेज गेंदबाज की जरूरत थी। जहां आरसीबी हेजलवुड के होने से खुश है, वहीं सीएसके को उनके ना होने से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं नंबर 3 और आखिरी खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर। जी हां दोस्तों, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि भारतीय स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर हैं। शार्दुल इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं और वो गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। शार्दुल ने हमेशा सीएसके के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सीएसके ने उनको फिर भी ड्रॉप कर दिया। यहां तक कि सीएसके ने ऑक्शन में एक बार भी शार्दुल ठाकुर के लिए बोली नहीं लगाई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।